तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ट्रेन ए रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड ट्रेन बी फ्रॉम द सेम मास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और पहला वाला ईस्ट टू वेस्ट, सेम, हाँ स्पीड भी सेम है, अलॉन्ग द इक्वेटर। प्रेस द ट्रैक F1, और जो बी है वो ट्रैक को F2 से प्रेस करती है। तो हमें F1 और F2 में हमें बेसिकली हमें रिलेशन निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो चलो F1 और F2 में अगर हमें रिलेशन निकालना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। तो ये जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर मान लेते हैं ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। तो अगर ये एक्सिस पर ओमेगा से घूम रही है तो ये एक ट्रेन ये है, और ये जो ट्रेन है वो कुछ ऐसे है, और ये ट्रेन ए है, और ए आ रही है इधर ईस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ऊपर नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ से ये ट्रेन इधर आ रही है। अब अगर ट्रेन इधर आ रही है तो ऑब्वियसली इस पे एमजी जो है वो सेंटर की तरफ जा रहा होगा, एमजी जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और नॉर्मल फोर्स बेसिकली ऊपर लग रहा होगा। और यही नॉर्मल फोर्स क्या है, प्रेसिंग फोर्स है ट्रेन F1 का फर्स्ट। क्लियर है सबको, यही नॉर्मल है वो प्रेसिंग फोर्स है। तो दूसरी जो ट्रेन है वो कहीं इधर से आ रही है, उसका अगर मैं बनाऊं डायग्राम तो ये जो ट्रेन है वो कुछ ऐसे आ रही है, ये ट्रेन बी है, और इसका भी जो नेट जो वेट है mg वो तो सेंटर की तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा बच्चों बाहर। और इस नॉर्मल को यहाँ जो प्रेसिंग फोर्स है, ठीक है, ग्राउंड को कितने से प्रेस कर रही है उसको यहाँ पे F2 से डिनोट किया गया है। तो F1 और F2 में रिलेशन निकालना। तो अगर फॉर ट्रेन ए के लिए, फॉर ट्रेन ए के लिए अगर सेंट्रीपिटल का इक्वेशन लिखोगे तो अपने फ्रेम में अगर ट्रेन है तो सूडो फोर्स भी फील कर रही होगी। तो सूडो फोर्स अगर बैलेंस करोगे तो सूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MR और ओमेगा ए, ट्रेन ए का स्क्वायर इधर फील कर रही हो। तो MG must be equal to नॉर्मल ऑफ द ट्रेन ए प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने फ्रेम में फील कर रही हो, MR रेडियस ऑफ द अर्थ ओमेगा ऑफ द ट्रेन ए का स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mg माइनस MR ओमेगा ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिक्कत क्या है इसमें, अब ये जो यहाँ से इसको F1 बोला गया है और mg माइनस MR ओमेगा ऑफ द ट्रेन का जो स्क्वायर है, लेकिन ये यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी यूज हुई है, ये एंगुलर वेलोसिटी तब लिखी गई थी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या जब अर्थ का रोटेशन, या रोटेशन ऑफ अर्थ कितना था, रोटेशन ऑफ अर्थ का रोटेशन जो है वो ओमेगा जीरो था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में लिखा गया, कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में था तो जब वो देख रहा था तब ये ओमेगा ये वाला है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये समझने वाली चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ट्रेन ए का ग्राउंड या अर्थ स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूँगा और रख दूंगा तो ये प्रॉब्लम मेरा हो जाएगा। तो ट्रेन ए को अगर ओमेगा से अर्थ भी घूम रही है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेन ए की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ठीक है ना, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। समझना इसको। तो ये वाली जो है बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ये प्रॉब्लम में, ये डाउट में आता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन चाहिए, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अस प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी ये वाली जो इक्वेशन आई, अब इसमें जब साइन रखोगे तो जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर को डायरेक्शन में है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर को डायरेक्शन में है, और एंगुलर वेलोसिटी अर्थ ओमेगा से इधर घूम रही है, द अर्थ रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इधर की डायरेक्शन को निगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ,
ओमेगा ऑफ द ट्रेन आ जाएगा, वो आ जाएगा ओमेगा ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और माइनस ओमेगा ऑफ अर्थ। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल ए की एफ वन की वैल्यू लिखी जाए, ये वाली वैल्यू वहाँ उठा के रख दो, तो अगर मैं नॉर्मल एफ वन की वैल्यू लिखूंगा तो एम जी माइनस एर, तो फॉर ट्रेन ए, ट्रेन ए के लिए अगर तुम लिखोगे ट्रेन ए के लिए, तो नॉर्मल एफ वन की वैल्यू या एन ए नॉर्मल जो भी है एम जी माइनस एम आर ओमेगा ऑफ द ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा एम जी और माइनस एम आर यहाँ से और ओमेगा ऑफ द ट्रेन, मतलब ओमेगा ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज एफ वन। तो ये अभी इसको हम लोग यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये रहा अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं इसी तरह से ट्रेन बी के लिए निकालूंगा और फिर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। तो अब देखो यहाँ सिंपल सी बात है, अगर इसकी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इसके इंक्रीज होने से एम जी तो कांस्टेंट है, एम जी क्या है कांस्टेंट है, तो एम जी अगर कांस्टेंट है और ये वैल्यू अगर बढ़ती है तो एम जी कांस्टेंट होने की वजह फ्रिक्स ये एफ वन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो एम जी तो कांस्टेंट है ना, तो एफ वन की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ट्रेन बी के लिए सिंपली हम लोग लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। फॉर ट्रेन बी, तो अगर ट्रेन बी के लिए अगर देखोगे तो चलो देख लेते हैं ट्रेन बी का क्या हाल है। तो ट्रेन बी किधर से किधर जा रही है, ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूम रही है और यहाँ से ये ट्रेन बी इक्वेटर पे, ट्रेन बी ऐसे जा रही है बच्चों, दिस इज द ट्रेन बी। तो जिधर अर्थ का रोटेशन है उधर ही ट्रेन बी का अर्थ के रिस्पेक्ट में है। तो ट्रेन ओमेगा ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये आ जाएगा ओमेगा ऑफ द ट्रेन माइनस ओमेगा ऑफ द अर्थ और ओमेगा ऑफ द, यहाँ से ओमेगा ऑफ द ट्रेन आ जाएगा तो ओमेगा ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस ओमेगा ऑफ द अर्थ और यहाँ से अगर तुम देखोगे ओमेगा ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और प्लस ओमेगा ऑफ, यही है दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है, ये वाली जो चीज़ है यहाँ, ये वाली जो चीज़ है वो सेम क्वेश्चन में दी हुई और ये अर्थ का है तो ये फिक्स है। अब सेंस ऑफ रोटेशन, ट्रेन बी इधर भी जा रही, अर्थ भी इधर ही रो रही, ओमेगा ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और ओमेगा ऑफ अर्थ इधर है, तो दोनों को मैं प्लस रख लेता हूँ तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। और अगर अब सेंट्रीफ्यूगल का इक्वेशन लिखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल का इक्वेशन लिखोगे तो एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल एन टू, या इसको मैं एफ टू बोल देता हूँ। तो यहाँ से जो एफ टू की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एफ टू की वैल्यू आ जाएगी वो एम जी प्लस एम आर और ओमेगा ऑफ ट्रेन, ये आ जाएगा ओमेगा ऑफ ट्रेन ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ओमेगा ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस ओमेगा ऑफ अर्थ का स्क्वायर ये। तो अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गए, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो देख रहे हो ये वाली जो चीज़ है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना, ये वाली अगर इंक्रीज हो गई इस केस में तो इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक हो गया, तो एक मिनट, यहाँ से इक्वेशन लिखने में बच्चों गलती हो गई। यहाँ पे ये एम जी माइनस आएगा तो यहाँ से एम जी माइनस सेंट्रीफ्यूगल नॉर्मल आएगा ना, तो यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गया, तो ये माइनस आएगा, तो सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ से ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा, ठीक है, तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा, तो ये वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो एफ टू की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, डिक्रीज होनी पड़ेगी, मतलब एफ वन ज़्यादा पहले केस में ज़्यादा से प्रेस करेगी ट्रेन, मतलब अर्थ के सरफेस को एज कम्पेयर टू द, क्योंकि हम दोनों कंपेयर कर लिए तो एफ वन इज़ ग्रेटर देन एफ टू, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये इसका रियल सिचुएशन है। अर्थ एक्चुअली ऐसे ऐसे अपनी एक्सिस पर 20 डिग्री डिल्ट है तो इस एक्सिस पर ओमेगा से घूम रही होगी और ट्रेन ऐसे आ रही होगी, ठीक है ना, ये ट्रेन है तो यहाँ से कुछ एक ट्रेन ऐसे आ रही होगी और एक ट्रेन ऐसे आ रही होगी, ठीक है,
तो यहाँ से जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर लिखता है तो ये इक्वेशन लिखेगा, ठीक है ना। बट अभी अर्थ रोटेट कर रही है, दैट्स वाई ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।